आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार पब्लिक के साथ। बैठा हुआ है कि मेरी गाड़ी जल गई है। ये गाड़ी के अंदर 93 नंबर की गाड़ी है, 93-51। इसके अंदर 15,000 रुपया रखा हुआ था। वो कांच तोड़कर 15,000 रुपया निकाल कर और पेट्रोल डाल के, पेट्रोल के भी मायक आ रही, पेट्रोल डाल के जलाया गया वो गाड़ी। तो ये दुश्मनी निकाली गई है। तो पुलिस आश्वासन दे रही है कि 2 से 3 दिन में हम वो आदमी को निकाल लेंगे ढूंढ के। तुम टेंशन मत लो, कोई किस्म का माहौल खराब मत होने दो। तो इसके लिए हम लोग अभी शांत हो। अस्सलाम वालेकुम। और आज ये हादसा यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर बेशुमार गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जानवर रहते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक आज तक का यहाँ पर किसी का इस तरह नुकसान नहीं हुआ। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि छोटा बाबू जो है वो कहीं ना कहीं मुफ्ती इस्माइल के साथ में है। मेरा तो ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये सियासी दुश्मनी निकाली जा रही है। बहरहाल पुलिस जो है तो वो जो धीरज बांधी है, और बिरादरी के और बाबू पहलवान के चाहने मानने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस वक्त तो हमारे यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सख्त है, और हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर जो भी असली मुजरिम है उसको सामने लाएंगे। क्योंकि ये जो हादसा हो रहा है, देखने में हमें लगता होगा कि एक गाड़ी जलाई गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि कल हो सकता है कि बाबू पहलवान के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है जैसा इंगलाज नगर में हुआ। तो इस पर पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये हमारा शहर मस्जिद और मदरसों का शहर है, हमें इतना नीचे गिरकर काम नहीं करना चाहिए। हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी से मोहब्बत होती है, किसी से लगाव होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ और पूरा शहर देख रहा है कि हमारे शहर की जो सियासत है वो इतने नीचे गिरते जा रही है, इतने नीचे गिरते जा रही है कि तमाम गिरने की सब हद ख़त्म हो जा रही है। कभी किसी के ذاتی معاملات में बोला जाता है, इंशाअल्लाह वो वक्त तो आएगा, हम तो बहुत अच्छे से जवाब देंगे। और आज ये लम्हा नहीं है वो सब बात करने का। बहरहाल पुलिस ने जो आश्वासन दिया है, मैं तमामी बाबू पहलवान के चाहने मानने वालों से गुजारिश करूँगा। छोटा बाबू पहलवान है, अय्यूब पहलवान है, ओटे पहलवान है, अनवर पहलवान है, ये सब उनके दोस्त अहबाब है, और यहाँ जो पब्लिक खड़ी है ये भी सब उनके चाहने मानने वाले हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि सब रुख से काम ले। उनके अंदर कंप्लेन दे कर आया है, और अभी मुफ्ती साहब भी आने वाले हैं, जल्दी किया जाएगा। उस पर यहाँ पर कुरैश बिरादरी ने पूरा अपना भरोसा जताया है। उनको इस वक्त के डिपार्टमेंट पे जो है पूरा भरोसा उनको। नहीं बुझे।